गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को इंग्लिश में रैम्स पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले भी कई रैम्स का वीडियो भेज चुकी हूँ, आप लोग शायद उस वीडियो को लर्न कर लिए होंगे। उस रैम्स को सारे बच्चे को रैम्स याद होगा। आज मैं फिर अगला रैम्स बताने जा रही हूँ। क्या है अगला रैम्स? है अगला रैम्स है हे डिडल द कैट एंड द फिडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, द लिटल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पोर्ट एंड द डिश रैन अवे विथ द स्पून। क्या है? हे डिडल द कैट एंड द फिडल, The cow jumped over the moon, the little dog laughed to see such a sport, and the dish ran away with the spoon. देखो बच्चों, जिस तरह से मैं पढ़ रही हूँ ना, पढ़ के बता रही हूँ, आप लोग भी उसी तरह पढ़ेंगे। आप लोगों के पास बुक तो होगा ही। बुक का ये पेज नंबर 4 है। बुक में पेज नंबर 4 है। आप लोग सभी बच्चों के पास बुक होगा, और नहीं बुक होगा तो मैं जैसे पढ़ रही हूँ ना, उसी को सुन सुन के आप लोग भी पढ़ेंगे, इसी में से वीडियो से देख के और लर्न करेंगे। तो क्या है? हे डिडल द कैट एंड द फिडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, द लिटल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पोर्ट एंड द डिश रैन अवे विथ द स्पून। फिर से एक बार मैं पढ़ के बता रही हूँ। हे डिडल द कैट एंड द फिडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, द लिटल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पोर्ट एंड द डिश रैन अवे विथ द स्पून। हो गया? फिर एक बार पढ़ती हूँ लास्ट बार, इसके बाद आप लोग अपना पढ़ेंगे इसको और लर्न करेंगे। देखिए, हे डिडल द कैट एंड द फिडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, द लिटल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पोर्ट एंड द डिश रैन अवे विथ द स्पून। मैं कई बार आप लोगों को पढ़ के बताई हूँ, आप लोग भी उसी तरह से पढ़ेंगे और इसको लर्न करेंगे। थैंक यू।